असलम मैं हूं फैसल तारड़। आठ फरवरी का दिन जी पता नहीं पाकिस्तान को कहां लेकर जाएगा कल सिब्बी के अंदर पीटीआई की रैली पर हमला हुआ धमाका हुआ चार लोग जान की बाजी हार गए आज एन ए आठ बाजोड़ पीटीआई के एक सरगर्म रहनमा उम्मीदवार कौमी असम्बली के रेहान जेब उनको बेदर्दी के साथ बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया इमरान खान को दो मुकदमात में साइफर केस में दस साल तोशा खाना के केस में चौदह साल कैद की सजा सुना दी गई दस साल के लिए नायल कर दिया गया एक अरब सतावन करोड़ से जायद का जुर्माना कर दिया गया बुशरा बीबी सुबह से अडयाला जेल के अंदर गिरफ्तारी देने के लिए पहुंची हुई है अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया यानी बुशरा बीबी ने वफा की एक ऐसी तारीख रकम कर दी है वो जो उंगलियां उठाते थे ना कि बुशरा बीबी ने इमरान खान का फ्यूचर तबाह कर दिया बुशरा बीबी ने ये हरकत की ये वाली हरकत की उस औरत ने मिसाल कायम कर दी है कि उसको सजा हुई उसने कहा मैं इमरान खान के लिए कमजोरी नहीं बनूगी वो फौरी तौर पर अडाला जेल पहुंची इस वक्त इस वक्त जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो साढ़े पांच बजे है साढ़े पांच बजे तक मुश्रा बीबी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया कहा जा रहा है अभी तक वारंट ही जारी नहीं हुए और यह सब कुछ हो जाने के बावजूद कितना जुल्म हो गया है कोई शख्स कितना बर्दाश्त कर सकता है जो इमरान खान के साथ हो गया है वो एक ही लफ्ज बोल रहा है आठ फरवरी आठ फरवरी मेरी कौम मेरा मुल्क मेरी कौम मेरी कौम निकलेगी मेरी कौम उठेगी मेरी कौम वोट के जरिए इनकलाब लाएगी समझ नहीं आता एक शख्स को अपनी कौम पर इतना एतमाद कैसे है यानी ये जो हम पाकिस्तानी हैं हम पाकिस्तानी हम पर हमारे घर वाले एतबार नहीं करते ये सारी हर किसी की अपनी कंडीशन होगी वो घर वाले हम जाके घर बताए ना ये वाली बात है वो दो दफा पूछते हैं कि ठीक कह रहे हमें गल ठीक है पक्की गाल कर रहे हमें घरों में हम पे एतबार नहीं होता वो अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ शख्स पूरी कौम पर एतबार करके बैठा हुआ कि मेरे लोग मेरी कौम उठेगी कोई इंतजार नहीं कोई बलवा नहीं करेगी बल्कि आईनी अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी और अडयाला जेल की जंजीरें टूट जाएंगी ये जो माफिया और बदमाशिया है ये जो गंदा निजाम है इसको हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे क्योंकि मेरी कौम मेरे लोग मेरे लोग मुझे नहीं लगता हजारों सालों की हिस्ट्री ने हिस्ट्री में किसी लीडर ने अपनी कौम को इतनी इज्जत दी होगी या इतना एतबार किया होगा अपनी कौम पर बहरहाल कुछ बड़े फैसले किए गए हैं कुछ बड़े फैसले आए भी हैं अदालतों से उस पर भी बात करनी है एक तो जी आज पीटीआई का इजलास हुआ है जनरल बॉडी का जिसके अंदर यह फैसला किया गया है पीटीआई जराब इंट्रा पार्टी जा रही है दोबारा पहले तो वो बल्ला वापस हो गया ना इलेक्शन की ठीक नहीं हुई थी और काजी साहब ने कोई दस हजार उसमें से गलतियां निकाल दी यूं बल्ला हो गया तो बल्ला चला गया और मैंने आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले आपको बताया था पीटीआई ने यह फैसला कर लिया है कि वो इलेक्शन से पहले पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा देंगे तो लिहाजा आप जनाब आज के दिन तक 31 जनवरी के दिन तक जो पीटीआई की राबता ऐप है वहां पे जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वोट वो वोट दे सकेंगे और सात दिन के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन है जनरल इलेक्शन से पहले पहले पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेगी और उसका फिर रिजल्ट जो है वो दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन को दोबारा से इंतजामी निशान अलॉट होगा और फिर इलेक्शन जीतने के बाद जो आजाद हैसियत में लोग खड़े हुए हैं पीटीआई के टिकट से वो पार्टी में वापस आ सकेंगे और उसकी बे, उसकी बेस पर जो आपकी रिजर्व सीटें होती हैं खातन खव, की मखसूस नशीसें होती की वो भी मिल सकेंगी तो लिहाजा ये एक बड़ा फैसला जो है वो आज पी टी आई ने कर लिया है अच्छा इसके अलावा इद्दत के दौरान जो निका वाला केस है इंतहाई बेशरम इंसान खाविर मानिका का रिसेंट पास्ट के अंदर मैंने कोई पाकिस्तानी सियासतदानों में भी या सहाफियों में भी इतना गिरा हुआ जजों में भी इतना गिरा हुआ शख्स ने देखा जितना ये खाबिर मानिका है कि इंतहाई गलीज इल्जाम और इंतहाई भोंडा शख्स अच्छा आज इद्दत के दौरान निकाब वाले मुकदमे को खारिज किया जाए इस हवाले से भी फैसला महफूज हो गया बड़े मुफसल दलायल हुए इद्दत के हवाले से भी कितनी इद्दत बनती थी कितनी इद्दत है और क्या इसके अंदर हो सकता है तो इस हवाले से दलायल सुनने के बाद अब इस पर भी फैसला हो गया महफूज लाहौर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला जनाब खान के हक में दिया है और लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को और पी को मीडिया कवरेज देने की हदायत की आयन के आर्टिकल सत्रह के मुताबिक हर किसी को आजादी हासिल है इजहार की आजादी और आजाद मीडिया के जरिए उसका जो है ना उसकी आवाज सुनी जाए और अपना मंशूर लोगों तक पहुंचाना यह बेसिक राइट में आता है बुनियादी हकूक में तो पीटीआई के लिए बुनियादी हकूक है तो लिहाजा उनको भी उतनी कवरेज दी जाए जितनी जो पाकिस्तान को नवाज दो और चुनो नई सोच को इनके जो छोटी सी रैली होती दस लोगों पर जितनी उनको दी जाती है तो पीटीआई को भी कवरेज दी जाए तो ये एक बड़ा फैसला है लेकिन बजाहिर इस फैसले पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि इस फैसले पर जिन्होंने अमल दरामद करना है या जिन्होंने जो अमल दरामद नहीं होने देते वो उनके सामने ये लाहौर हाई कोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं है उन अदालतों को पाओं की जूती समझती हैं उनके नजदीक ऐसे फैसलों की कोई अहमियत नहीं है पीटीआई का जो मरकजी सेक्रेटरिएट है इस्लामाबाद का उसको जनाब सील कर दिया गया है हालांकि पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगी जमात का लदम नहीं हुई। लेकिन सील हो गया है। और पुलिस की भारी नफरी इस्लामा जी एटीआई का सेक्रट्रियट है उसके बाद तैनात है क्योंकि आज जनरल बॉडी का इजलास तलब किया हुआ था पीटीआई ने तो अब जनाब वहां पर पुलिस पुलिस है पुलिस ने उस सारे मामले को घेरा हुआ है आज इमरान खान को सजा हुई इमरान खान को बताया गया कि आपकी पेशी है आप आए इमरान खान ने कहा मैं तो हाजिरी लगाने आया था आपने सुझाव सुना दी इसी तरह कल जब साइफर केस में समाप्त हुई तो इमरान खान हंस रहा था दूसरे नंबर पर जज ने कहा जल्दी 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 आओ तो खान ने कहा जज साहब जल्दी आपको है मैंने तो जेल में ही रहना है मुझे तो कोई जल्दी नहीं है तो बहरहाल ये जो अब लाशें गिरने की सियासत शुरू हो गई है ना हालांकि ये पाकिस्तान में कभी खत्म नहीं होगी ये बड़ी खतरनाक है कही कहे ये आठ फरवरी कहां लेके जाएगा जेब बाजोर से कितना पश्तूनों का हम खून बहाएंगे इतना सस्ता क्यों है पश्तूनों का बलोचों का खून या बल्कि पश्तूनों बलोचों को छोड़ दे हम कोई तफरीक नहीं करते पाकिस्तानियों का खून इतना सस्ता क्यों है कभी अमरीकियों के सामने बेच देते हैं कभी अमरीकी जितने लोग आके मरे जाए मार मार जाए वो जरदारी साहब ने कहा था हमें कोई मसला नहीं कभी पूरे मुल्क के अंदर यानी ये हम कब तक खून देंगे कब तक हम खून देंगे ये लोग क्यों पाकिस्तानियों के खून के प्यासे हैं क्या चाहते हैं क्या चाहते हैं दूसरों के बच्चे मरवा के क्या मिलेगा कल सिबी के अंदर पीटीआई की रैली पर हमला हो गया चार शहीद हो गए आज ये बड़ा एक बड़ा एक्टिव एक नौजवान खूबसूरत रिहान से शहीद हो गया बाप रो रहा है बूढ़ा क्या कह सकते हैं जी ये सारा आठ फरवरी आठ फरवरी लोगों को डरा दिया जाए इतना खौफ फैला दो कि लोग घरों से ना निकले लोग हिम्मत ही ना करें लेकिन मेरे ख्याल से इमरान खान अपनी नेचुरल जिंदगी जी चुका है एक बहत्तर साल का सियासतदान उसने जो करना था वो कर चुका है अब मसला सिर्फ आप पर है ये जो कौम जिस पर उसने एतमाद किया हुआ है ना अब पाकिस्तानियों के अपनी किस्मत अपनी पाकिस्तान ने खुद लिखनी है किसी और का इसमें कोई लेना देना नहीं है एक मैं आपके सामने रखता हूं जनरल बाजवा की तरफ से इमरान खान पर दबाव था कि इसराइल को अंगेज करे मगर इमरान खान ने इनकार कर दिया यानी जनरल बाजवा का इसराइल को आप तस्लीम कर लें लेकिन इमरान खान नहीं माना अगर इमरान खान मान गया होता तो आज बाकी अरब मुल्कों की तरफ पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर चुका होता जो फलस्तीनियों पर जुल्मा रहा है तो कसूर उसका यह है उसने कहा मैं अमरीका की गुलामी नहीं करूंगा वो होते हमारे, के करने वाले और हमारे लोगों को मारने वाले हमने देंगे उसने नहीं, मैं एक जालम, एक को, को नहीं करूंगा उसने कहा मैं वजी आजम हूं मेरे पास इख्तियार है इस कौम ने मुझे ढाई करोड़ वोट दिया है मैं अपना इख्तियार अपनी कौम का इमारत खुद इस्तेमाल करूंगा किसी स्टैब्लिशमेंट करने को नहीं दूंगा तो ये है उसका जुर्म कि वो आपकी इज्जत की खातर अपनी बीवी समेत जेल के अंदर पड़ा हुआ है करैक्टर असैसिनेशन हो रहा है हो रही है उसकी इज्जत के साथ खेला जा रहा है उसकी जिंदगी के साथ खेला गया सिर्फ आप लोगों की खातर फैसला आपके हाथ में है पाकिस्तान जिंदाबाद